चलो थोड़ा पका दे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई लोग। सो होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भाई आज के वीडियो में भाई अपन लोग फिर से मॉर्निंग हाइपर राइड करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं हरदम लेट हो जा रहा हूँ। एंड एक्चुअल में ये अच्छी भी बात है मेरे लिए कि मैं जब लेट हो रहा हूँ तब मैं मेरे कंटेंट बना ले रहा हूँ, ऐसी बात है। तो सबसे पहले जो चीज़ करता हूँ तुम लोगों के लिए, सुबह सुबह वाइब नहीं आएगी भाई, वाइब आनी चाहिए एकदम प्रॉपर राइड की। एंड सुबह सुबह रोड खाली रहती है एंड पुलिस का लफड़ा नहीं तो मज़ा आएगा भाई सुबह सुबह एक रिपब्लिक का साउंड सुनने में। लेट्स गो। सबसे पहले भाई डीवी किलर निकाल के इसके अंदर रख देता हूँ, एक सेकंड। सो हियर वी गो। ये देखो डीवी किलर मैं कुछ यहाँ पे फ्यूज बॉक्स के पास रखता हूँ और ऐसा कपड़ा लेके यहाँ पे पहले कवर कर देता हूँ पूरा, देन सीट लिया लगा के दाब दिया। लेट्स गो। सबसे पहले आपको आइडियल साउंड सुनाता हूँ, वहाँ पे वो सारा रिक्शा वाला चला रहा है भाई आइडियल साउंड। और ये देखो फ्लैशर जो मैंने लगाया था ये कुछ ऐसे चल रहा है भाई, ये देखो इसको बंद करके चालू किया तो ये एक और पैटर्न, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये कड़क लग रहा है। लेट्स गो चलते। मैं बहुत खुश होता यार, मैं कभी भी, आप मेरा साउंड कभी भी चेक कर लेना, मैं जब भी ऐसे साउंड सुनता हूँ ना अपने बाइक का बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। लेट्स गो। भाई जैसे ही इलेक्शन आ गए ना रोड के पैचेस जरूर लगा देते, रोड बनाए ना लगाए। ये देखो यहाँ पे पूरा खड्डे वड्डे थे, पैचेस लगा दिए, बस काम खत्म। ओ भाई तुमको एक सच्ची बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है भाई सुबह 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 ब्लॉग बना के। तुम लोग बस हेडफोन लगा बद बद कम करते और राइड इंजॉय करते। ओ भाई स्लिप हुई थी। तो ऐसे होता है कुछ शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग। आज बहुत ज्यादा ऊपर वाले रोड से आया, वैसे मैं ये वाले रूट से मैं कभी आता नहीं। स्पीड ब्रेकर जब भी आए ना भाई उठ जाओ, मैं सच बताता हूँ। स्पीड ब्रेकर ये नहीं बैठे रहो और दे दिए सस्पेंशन को भी झटका, ना ऐसा नहीं करते। जब भी स्पीड ब्रेकर आए थोड़ा सा ऐसे स्टैंड हो जाओ ताकि स्पीड ब्रेकर जल्दी से गुजर जाए बस। अबे यार जगह दे दे। तो भाई पूरा रोड बना दिया यार, अच्छी बात है। तो इलेक्शन आने का एक तो फायदा, मैं तो ऐसा अगर बनने वाला रोड ना तो मैं तो बोल लूंगा हर रोज इलेक्शन हो भाई, हर रोज एक जगह की रोड बनेगी। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। यहाँ पे रोड खत्म नहीं वाली, ये पुरानी वाली रोड है, ये भी ठीक है, खराब नहीं है। भाई मैं फुल वाइब ले रहा हूँ भाई सुबह सुबह की, एंड एक्चुअल में बड़ा मजा आ रहा है। ठंडी भी उतनी ज्यादा लग रही है भाई, बहुत ज्यादा ठंडी है। देखो हमारा ग्रीन सिग्नल, फिर भी भाई यहाँ पर देख के जाना पड़ेगा नहीं तो उड़ा देगा हमको ही कोई भाई। मेरा बाइक का साउंड अच्छा है बट कुछ भी बोला है, अगर बाइक पे साउंड बड़ा तगड़ा आता है।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे पुलिस तो नहीं आता भाई। मेरे को बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं भाई पुलिस वाले। गियर शिफ्टिंग तुम लोग सीख जाना यार, बड़ा मजा आता है। ये शिफ्टिंग जो सीख गया ना कसम से, ऐसा लगता है ना भाई कि हाँ अब तुम प्रो राइडर हो। एक्चुअल में प्रो राइडर इसको बोलते हैं। ऐसे शिफ्टिंग करो, गाड़ी को भी ना पता चले कि भाई गियर शिफ्ट हो चुका है। ट्राई टू डू फास्ट शिफ्टिंग, क्योंकि उससे क्या होता है, देखो मैं सच बोलता हूँ, उल्टा ऐसे गियर डालने से अच्छा रहेगा। फास्ट शिफ्टिंग, ऐसे भी क्विक शिफ्टर होता है उस चीज के लिए, तो वैसे ही तुम भी यूज करो, थोड़ा सा क्विक दे दो। लो भाई, थोड़ा सा अनस्टेबल हुई थी वहां पे गाड़ी, पता है। थोड़ा संभल कर चलता हूँ भाई, सुबह सुबह कुछ कांड ना हो जाए अपने को, जाने के काम पे जाते जाते ये सब हो जाएगा तो कैसे चलेगा रे बाबा। बाकी ये जो रोड से ना, ये वाले रोड खराब है एक्चुअल में। ये रोड है ना भाई, ये है सीमेंट वाले, तो इसमें थोड़ा गाड़ी स्लिप होती है, क्योंकि देखो ये रोड चिकने हो गए, दिख रहे चिकने हो जाते हैं ये रोड। फिर स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकर यार, ये कब बंद होगा ये स्पीड ब्रेकर। सो गाइस, मिडल ऑफ द वीडियो ये बात करना चाहता हूँ कि जो एग्जॉस्ट मैंने मंगाया था आरसी के लिए जो मैंने बेड बाइक मंगाया था, बस वो आने ही वाला है एक दो दिन में, बस मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद आरसी में ये वाला एक्रापोविक डाल के देखेंगे। अपने पास एआर का भी है और शकील से एक्रापोविक का फिर से मांग लेंगे, क्योंकि अपने को मांगता है। शकील से एक्रापोविक का फिर से मांग लेंगे एंड फिर बनाएंगे, दोनों जरूरी है। मज़ा आएगा भाई, पूरा मज़ा आने वाला है। बस उसका इंस्टॉलेशन मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि आरसी का मैंने कभी बेड बाइक ऐसा कुछ देखा भी नहीं है। लेट्स सी, देखते क्या होता है उसे। बाकी फुल मजा आ रहा है भाई, जैसे मेरे चैनल पे देख सकते हो। आजकल मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँ, अच्छे खासे वीडियोस डाल रहे हो, तो तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो भाई अपने वीडियो को शेयर करके, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस मेरे वीडियो को शेयर करना, और सच में अच्छी लगे तो करो यार, मैं सच बोलता हूँ, नहीं तो कुछ फायदा नहीं शेयर करने का। स्कीमा का खड्डा, पेट्रोल फूक रहा भाई, मैं पूरा एकदम चूस रहा है एकदम, ऐसे समझ लो। थोड़ा सा भी फ्यूल का नहीं सोचा और मैं बस
गाड़ी थोड़ी सी गंदी भी हो गई मेरी, साफ करना पड़ेगा। एक्चुअल में गंदी है, मतलब धूल बैठ जाती है, पर ये पुणे में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। शहर में तो सबसे ज़्यादा, मतलब पुणे में ही नहीं, शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं, इसी वजह से शायद है कि क्या है क्या पता। यहाँ पे तुम्हारा भाई 100 रुपये का पेट्रोल फूक कर बहुत मजे से चले जा रहा है। गाइस तुमने न्यूज़ सुनी हुआ KTM की? अगर ध्यान दिया होगा तो भाई साहब सुपर ड्यूक आ चुके हैं इंडिया में, तो अब राड़ा होने वाला है भाई, टोटली राड़ा। H2R किलर आ गई है, मतलब इंडिया में बोले तो फिर तो लफड़ा होने वाला है। अब तो 0 to 200 तक H2R भी उसको नहीं हरा पाती, सोचो। ड्यूक 1390 गोइंग टू बी टू क्रेजी मशीन इन इंडिया, आई थिंक सो। देखते हैं कैसा जाता है, चलो थोड़ा भगाते हैं। चलो फिलहाल पहुंचने ही वाला है बस, और आधा टाइम इतना स्लो आने वाला भाई पूरा माइलेज निकालते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने फ्यूल पी लिया। और एक्चुअल में देखो मेरे पास अभी फ़िलहाल 1 रुपया नहीं है कि मैं पेट्रोल डाला सकूँ, फिर भी ये देखो ऐसे हाइपर राइड्स कर रहा हूँ। और मेरा पेमेंट अगर होगा भी तो समझो 1 तारीख को होगा, नॉट यूट्यूब पेमेंट। तो जो भी है मेरा पेमेंट, जो मैं जॉब करता हूँ, अभी जॉब पे ही जा रहा हूँ मैं। एंड देखो बात ऐसी, अभी 1 तारीख तक मेरे को विदाउट फ्यूल, मतलब विदाउट पैसे, मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, काम भी करना, और विदाउट पैसा। यहाँ पे काम आते हैं बस अपने फैमिली वाले, तो भाई यही बात है यार, फैमिली का फ़ायदा यह है कि देखो वैसे टाइम पे वो ही काम आते हैं। और प्लस एक और है जो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, तो फिलहाल उनका नाम ले लेता हूँ, बठा, वन ऑफ द स्पेशल पर्सन ऑफ माई लाइफ। उसका भी नाम ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यार, बहुत मदद होती है मेरे को, ठीक है, बहुत मदद होती है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे जो फ्यूल है, मैं तो सीरियसली बताता हूँ, वो मैंने डाला ही नहीं है, मेरे छोटे भाई ने दिया है, और प्लस मेरे स्पेशल पर्सन ने, ठीक है। तो जो भी है, बाकी तुम लोग सब जानते हो, तुमको क्या ही बताना, तुम लोग चालाक हो गए। हियर वी गो, एंड आ चुके गांधीनगर। व्लॉग एंड करने से पहले एक बात सुनते जाओ, वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर देना, और अपने चैनल के लिए एक शेयर जरूर कर देना गाइज। और थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो आपने एंड तक देखी है। Few minutes later. चला चालू करा, चला पटपट। यहीं पे मैं मेरा जॉब करता हूँ एज अ स्पोर्ट्स टीचर।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बैठे कार विच मेरे जुनमे जे यार नीए बट खान पीने पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नी देते ओ गैंग साइड हत्था दा छोड़।